हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लास्ट में जो टॉपिक पढ़ रहे थे साइक्लोन, उसका आज लास्ट वीडियो है। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन क्या होते हैं और चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी ऐड करूँगी, क्योंकि क्या है कि आर्ट एंड कल्चर थोड़ा याद करना टफ होता है और वो फैक्चुअल ही होता है, तो हमें एक एक करके वो याद भी होता जाएगा। तो हम पहले याद करेंगे कि लोक नृत्य याद करेंगे कि कौन से कहाँ के लोक नृत्य होते हैं। तो पहले हम याद करेंगे रऊफ क्या कहाँ का होता है, क्या नाम है रऊफ। ठीक है, तो रऊफ जो फ्रेंड्स होता है वो कश्मीर घाटी में का लोक नृत्य है। ठीक है, इसको सिर्फ महिलाएं करती हैं। ठीक है, सिर्फ महिलाएं इस डांस को करती हैं। यह नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। जब फसल कटनी होती है ना, तब ये डांस किया जाता है। इसे रमजान के महीने में भी करते हैं। इस नृत्य के आयोजन में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता। जब हम ये नृत्य करा जाता है तो इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है और सिर्फ महिलाएं करती हैं। तो रऊफ कहाँ का है? कश्मीर घाटी का। तो चलिए हम देखते हैं चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि ये कई नाम सुने होंगे, जैसे तितली चक्रवात आया है या वायु चक्रवात आया, कुछ इस तरीके के आप नाम सुनते होंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है कि नाम कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के। तो कैसे रखते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, चक्रवातों के नामकरण से पहले चक्रवात को उनके अक्षांश और देशांतर के आधार पर पहचाना जाता है। पहले देखते हैं जो चक्रवात आया है वो किस अक्षांश और देशांतर पर आया है। वर्तमान में चक्रवातों का नामकरण उनके स्थान विशेषता और विस्तार के आधार पर किया जाता है। वो ये देखते हैं कि जो चक्रवात है वो किस स्थान पर आया है, उसकी क्या विशेषता है और उसका विस्तार कहाँ तक है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया वर्ष 1953 से प्रारंभ हुई थी, जो अब तक जारी है। तो इस कब से नाम रखे जाने लगे? 1953 से। चक्रवातों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है, जिसमें से क्यू यू एक्स वाई और जेड वर्ण को हटा दिया जाता है। फिर जैसे आपकी अटेंडेंस होती होगी ना, पहले ए नाम वालों की, फिर बी नाम वालों की, कभी भी सी नाम, इसी तरीके से चक्रवातों के नाम भी जो है वो जो इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसके क्रम में उनको रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ वर्ण हटा दिए जाते हैं। चक्रवातों के नामकरण के लिए अक्षर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1979 से पहले चक्रवातों का नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर आधारित होता था। इसके बाद चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। पहले जो चक्रवात के नाम थे वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर थे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कभी शायद कैटरीना आया है, ऐसी कुछ। तो इस पर विवाद हो गया कि जो साइक्लोन है वो सिर्फ मतलब महिलाओं के नाम पर ही क्यों होते हैं, क्या महिलाएँ विनाशकारी हैं? तो पुरुषों के नाम पर भी रखना चाहिए साइक्लोन के नाम। तो इसके बाद से पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। तो देखिए, कौन तय करता है? जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ना, WMO, वो क्या करता है, नामों की 6 सूची तैयार करता है, 6 लिस्ट तैयार करता है नामों की। इन नामों का 6 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जाता है। क्या होती है? 6 लिस्ट होती है नामों की, अलग अलग देश देते हैं उन्हें, उनको 6 वर्ष बाद दोबारा यूज़ कर लेते हैं। जो चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं उनका नाम सूची से हटा दिया जाता है। अगर कोई चक्रवात बहुत ज़्यादा उसने नुकसान फैलाया है तो उसका नाम हटा देते हैं। ठीक है, बाकी 6 वर्ष बाद उनको पुनः उपयोग कर लिया जाता है और नामों का। हिंद, देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर जो इंडियन ओशन है के उत्तरी हिस्से से गुजरने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण वर्ष 2004 से इस क्षेत्र में 8 देशों द्वारा किया जाता है। जो हमारा इंडियन ओशन है उससे अगर कोई चक्रवात गुजरता है उष्णकटिबंध से, तो क्या होता है, जो 8 देश हैं वो अपनी लिस्ट देते हैं, ठीक है, WMO को, वो अपने नामों की लिस्ट देते हैं और उसके आधार पर, वर्णमाला के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे कौन कौन से देश देते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड और ओमान। ठीक है, ये अपने नामों की लिस्ट दे देते हैं क्योंकि यही देश हैं जो इंडियन ओशन पे आते हैं। भारत ने अब तक अग्नि, आकाश, बिजली, लहर, जल, मेघ, सागर, वायु आदि नाम भारत ने दिए हुए हैं। अब देखिए एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। चक्रवातों के विपरीत दशाओं और विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण को प्रति चक्रवात कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइक्लोन क्या है, मैंने 2-3 वीडियो में आप अच्छे से समझ के होंगे। अब एंटी साइक्लोन क्या है? जो साइक्लोन है उसका विपरीत, उल्टा ही तो एंटी साइक्लोन होगा। मतलब जैसे साइक्लोन बनता होगा सिर्फ उसको उल्टा कर दीजिए तो बन जाएगा एंटी साइक्लोन, है ना, सिंपल। तो चक्रवात की विपरीत जो दशाएं होती हैं, जो चक्रवात बनने की दशाएं होती है उनके विपरीत वाली जो दशाएं होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इसका अभाव रहता है। तो इनकी ये कहाँ होते हैं? उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंध के ऊपर वाला क्षेत्र, लगभग आप समझ लीजिए
23 डिग्री से 40 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, उस क्षेत्र में ये बनते हैं। जो भूमध्य रेखा जो हमारी है बीच की, ठीक है, इक्वेटर, उसके आसपास ही नहीं बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है, जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती हैं। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण ही हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। मैंने आपको साइक्लोन पढ़ाया था, तो साइक्लोन में क्या बताया था मैंने आपको, आपका अच्छे से ध्यान होगा कि बीच में क्या रहता है, लो प्रेशर, उसके चारों तरफ हो रहती है हाई प्रेशर की हवाएं, है ना, जो तेजी से केंद्र की ओर चलती हैं, तभी क्या बनता है, चक्रवात। अब प्रति चक्रवात क्या होगा, उसका उल्टा हो गया, बीच में हो गया हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, उसके चारों तरफ क्या रहती है, निम्न वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। समदाब रेखाएं मतलब एक से दाब की जो रेखाएं होती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो क्या होता है, बीच में होता है हाई प्रेशर, चारों तरफ हो जाता है लो प्रेशर, और हवाएं जो है वो बीच से बाहर की तरफ चलती है, केंद्र से परिधि की ओर चलती है, बिल्कुल चक्रवात का उल्टा। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। तो जो मैंने आपको साइक्लोन में पढ़ाया था ये उसका उल्टा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज आएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज से चलेंगी इसकी दिशा जो होगी। प्रति चक्रवात का आकार प्राय गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी वी आकार के भी होते हैं, तो इनका आकार गोलाकार या वी आकार का हो सकता है। देखिए, प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं, चक्रवात से ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्षेत्र में फैलते हैं। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम साफ रहता है। तो जो प्रति चक्रवात होगा उसमें क्या है, हवाएं जो होंगी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसलिए मौसम क्या होता है, साफ बना रहता है। इसी कारण से प्रति चक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। एंटी साइक्लोन जो होगा उसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है ना, इसलिए मौसम रहित परिघटना इसे कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो साइक्लोन में जो दशाएं होती है उसके विपरीत होती है एंटी साइक्लोन में। तो देखिए, चक्रवातों की विपरीत, प्रति चक्रवातों के आगमन के समय चंद्रमा तथा सूर्य के चारों प्रभामंडल के द्वारा संकेत नहीं मिलता है। अब जब चक्रवात आते थे तो सूर्य के चारों प्रभामंडल बन जाता था, लेकिन इसमें नहीं बनता, बल्कि आसमान मेघ रहित होने से मौसम साफ होने लगता है तथा हवा का बहाव कम हो जाता है। आसमान में आपको बादल नहीं दिखेंगे, मौसम एकदम साफ रहेगा, हवा का बहाव भी कम होगा, बिल्कुल उसके विपरीत चक्रवात के। ठीक है, शीत प्रति चक्रवात आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होकर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। ठीक है, जो शीत चक्रवात होते हैं वो आर्कटिक जो ऊपर का क्षेत्र है वहाँ बनते हैं और पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हैं। ठीक है, वही उष्ण प्रति चक्रवात उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जो उष्ण प्रति चक्रवात होते हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप के देशों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पढ़ाए थे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको पढ़ाए थे, नहीं अगर आपने वो वीडियो देखे तो आप देख लेना। मैं आपको इनमें एक स्पष्ट अंतर बता देती हूँ, ताकि क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से, अगर ऐसे अंतर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लेंगे। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं, मतलब ऊपरी सतह पर, ऊपरी उस पर आते हैं कटिबंध पे। ठीक है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। तो ये क्या, निचले अक्षांशों पे आते हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, और उसके ऊपर के अक्षांशों पे कौन से आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियों का विकास होता है। जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि वाताग्र बनते हैं, मतलब अलग अलग वायु राशियाँ होती है, गर्म और ठंडी, उस पर एक ढलान बनती है, स्पष्ट वाताग्र बनते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल जलीय सतह पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय सतह पर पहुँचते ही समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कहाँ, जल में, जहाँ पे ओशन होगा वहाँ पे बनते हैं, और जब ये स्थल पर आते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। शीतोष्ण चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, वो लैंड पर आते ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शीतोष्ण जो चक्रवात होंगे इसलिए वो लैंड पर होते हैं तो ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित कर देते हैं। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो हमारा ओडिशा का तट हो गया, बंगाल का तट हो गया, तो उस तक आते हैं ना चक्रवात, तो वो पूर्व से पश्चिम आते हैं। ठीक है, इसके विपरीत आएंगे शीतोष्ण चक्रवात।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में इसका अभाव रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे उसमें बीच में आई, जिसको हम आई बोलते हैं, शांत क्षेत्र होता है जहाँ हवा नहीं रहती, जबकि जो शीतोष्ण चक्रवात रहते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं रहता। तो देखिए, शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को सहनीय वर्षा कहते हैं। अगर आपने लास्ट टॉपिक अच्छे से समझे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अंतर इसलिए बता रही हूँ ताकि एक रिविजन भी हो जाएगा और आपको एक स्पष्ट अंतर भी पता चल जाएगा दोनों में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आकार बड़ा होने के कारण वायुदाब प्रवणता कम होती है, ठीक है, इनमें वायुदाब प्रवणता जो होती है वो कम रहती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में आकार छोटा होने के कारण वायुदाब प्रवणता अधिक होती है। तो देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे उनमें क्या होता है, वायुदाब प्रवणता बहुत ज़्यादा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण तथा शीत वाताग्र होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कोई वाताग्र नहीं होता। देखिए, जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसमें कोई वाताग्र नहीं होता है, ये मैंने आपको टॉपिक में भी पढ़ाया है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापमान संबंधी विषमताएँ पाई जाती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र के अभाव के कारण तापमान संबंधी विषमताएँ नहीं पाई जाती। जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें वाताग्र नहीं होता है ना, फ्रंट नहीं होता, दो वायु राशियां आमने सामने नहीं मिलती, जिसके कारण इसमें तापमान संबंधी कोई विषमताएं नहीं पाई जाती। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम विनाशकारी होते हैं। तो ज़्यादा विनाशकारी कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवने चक्राकार मार्ग में गति करती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन की गति वाताग्रों पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो हवा होंगी वो चक्राकार चलेंगी, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे वो वाताग्र पे डिपेंड करेगा उनकी गति, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हिम तथा ओलावृष्टि नहीं होती, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हिम और ओलावृष्टि होती है। तो ये कुछ इनमें डिफरेंस थे, मैंने आपको बता दिया ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इनमें डिफरेंस बता पाए। एंड थैंक यू, आप सब सेफ रहिए, थैंक यू।